कुछ काम है क्या आपको? क्या है? चलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कहाँ गए सारे बच्चे? फोटो दिखाओ अपनी जरा। सारे बच्चे अपनी फोटो तो दिखाओ जरा, दिखे हमके। हाँ, तुम लोग एक्टिव हो गए हो। हाँ चलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ चलो, हम कल कहाँ पढ़े थे बेटा? कल हम पढ़े थे रेजिस्टेंस। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था आप लोगों को रेजिस्टेंस का। किसका फॉर्मूला सिखाया था? रेजिस्टेंस का। और उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी वैल्यू थी आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या था बेटा? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां पर रो एक नया टर्म था। इसको क्या बोलते थे? रो। इसको क्या बोलते थे? रो। ऐसे लिख लेना रो, ताकि तुम्हें याद रहे इसको। ये नया टर्म है तुम्हारे लिए। इसको बोलते हैं रो, रो। ठीक है, इसको बोलते हैं रो। और R तो R पता ही आपको। L क्या होता था? लेंथ ऑफ कंडक्टर। A क्या होता था? एरिया ऑफ कंडक्टर। यहां पर रो तुम्हारे लिए एक नया टर्म है। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। क्या मतलब होता है? जैसे R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, R का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। और उसी तरीके से रो का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी। ये बिल्कुल वैसे ही समझ लो कि R अगर आदमी है तो रो उसकी आत्मा है। याद है तुमको बायोलॉजी में अपन क्या पढ़ते थे? इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं। तो इम्यून सिस्टम किसके अंदर होता है? आदमी के अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर R हमारा आदमी है तो ये रो क्या है? उसकी आत्मा। इसको भूल नहीं सकते अपन, ठीक है? तो उसी तरीके से हम रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? आर। और रेजिस्टिविटी को क्या बोलेंगे? रो। उसी तरीके से एक चीज तुमने पढ़ी होगी बचपन में, बचपन में बोले तो नाइन्थ में, नाइन्थ या टेंथ में पढ़ा होगा तुमने, कंडक्टिविटी पढ़ा है क्या? नाम सुना है कंडक्टिविटी का? कंडक्टिविटी का मतलब जिसकी वजह से करंट बहती है उसे कंडक्टिविटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। हालांकि ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है, नाम सुन लो बस हो गया। ये तुम्हें याद भी नहीं रखना, अगर कभी याद रह जाए तो बढ़िया है। कंडक्टिविटी होता है बेटा वन अपॉन रो। इसे क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। मतलब कि एक तो रेजिस्टेंस हो गया आर, रो हो गया उसकी रेजिस्टिविटी। किसकी रेजिस्टिविटी है? ये आर की। और कल हमने सिखाया था कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है? हमने कल सिखाया था रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है? पहला फैक्टर क्या था? अगर आपको पहला फैक्टर याद हो, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द एरिया, एरिया ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो कल मैंने सिखाया था एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। और दूसरा फैक्टर क्या था? लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो तीसरा फैक्टर आता है डाइमेंशंस। क्या बोलते हैं? डायमेंशंस का मतलब होता है मेजरमेंट। किसी चीज को नापने के लिए जो चीजें यूज की जाती है उसे डायमेंशंस बोलते हैं। आपको ओम सर ने डायमेंशंस पढ़ाया होगा, पढ़ाया ना डायमेंशन आपको पढ़ाया ओम सर ने? बिल्कुल ये वही डायमेंशन है, ठीक है? अच्छा, तो ये रेजिस्टेंस तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे बढ़िया इसका याद करने का तरीका क्या हो गया कि रेजिस्टेंस भाई साहब डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ये याद कर लो। इस डायमेंशन के अंदर लेंथ भी आ जाएगा, एरिया भी आ जाएगा। बात समझ आई क्या? बिल्कुल उसी तरीके से ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी जो है ना वो डिपेंड करती है किस पे? डिपेंड ऑन। पहला फैक्टर क्या है? सोचने वाली बात है। ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये किस पे डिपेंड करती है? ये तो एल और ए तो गायब हो गया। रेजिस्टिविटी में एल और ए तो है ही नहीं, है ना? मतलब ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये इस पे डिपेंड करता है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। बस ये याद रखना। क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे क्लास में, टेंशन ना लो बिल्कुल। क्वेश्चन कब कराएंगे? जब थोड़ा पढ़ा लेंगे, ठीक है ना? थोड़ी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है? बिल्कुल इस चीज की टेंशन ना लो।
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अरे थम्सअप करो, हाँ ना बोलो, क्लियर हो गया क्या? हाँ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे का पोर्शन ये है कि थोड़ी चर्चा आप रजिस्टिविटी पे कर लेते हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल्स है, हम उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो आप लोग हेडिंग डाल लो, हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। हेडिंग क्या डालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना किसी चीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, हाँ बिल्कुल सही बेटा। तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि ये स्क्वायर है, देखो ये ऐसे का मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा रखा हुआ है, देखो ये हमारा माइक दिख रहा है सबको, ये माइक दिख रहा है क्या? ऐसे लिया मैंने माइक, सबको दिख रहा है माइक अच्छे से? ये माइक ऐसा है, मैंने इसको, अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है तो सामने से ऐसा स्क्वायर होता, मगर अगर हम इसको दीवार पे प्लेस करते तो कैसा स्क्वायर बनाते? बिल्कुल ऐसा स्क्वायर बनाते। बनाते कि नहीं बनाते? लेकिन हमने इसको ऐसा नहीं रखा, हमने इसको ऐसा कर दिया, बिल्कुल ऐसा। अब ये तुम्हारे लिए स्क्वायर कैसा हो गया? ये है ना, समझ आया क्या? ये डायग्राम कैसे बना, समझ आया तुमको? तो ये स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की साइड कितनी है बेटा? स्क्वायर की साइड क्या है? इसकी साइड है ए। कितनी है? ए। इस स्क्वायर की साइड कितनी है? ए। मैंने आपसे कहा कि इस स्क्वायर में जो करंट है ना, वो ऐसे फ्लो कर रही है, बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से करंट फ्लो कर रही आई, ऐसे करंट बह रही स्क्वायर में। बोलो बह रही है कि नहीं बह रही है? हमने पूछा कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। ये डायग्राम समझ में आया? स्क्वायर ऐसा रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा, देखो ऐसा, देखो ऐसा ऐसा रखा हुआ है, और करंट ऐसे जा रही है बिल्कुल इस तरीके से, इधर से गई और इधर से बाहर निकल गई। बात समझ आई क्या? इधर से गई और इधर से बाहर निकल आई। इसको और अच्छे से समझने के लिए तुम चाहो तो यहां एक बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दोगे तुम्हें और अच्छी फीलिंग आएगी कि अच्छा ये बैटरी है तो ऐसे करंट बह रही होगी, है ना? याद करो वो कंडक्टर जो हमने पिछली बार लिया था लेंथ एल का, वो वाला नहीं रहा। अब मैंने उसको किसमें बदल दिया? स्क्वायर में बदल दिया। किसमें बदल दिया? स्क्वायर में। बोलो बात समझ आई क्या? क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब निकालना क्या है इसमें? हमें निकालना है फाइंड आउट द, क्या निकालना है? फाइंड आउट रेजिस्टेंस, फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? अब याद करो स्क्वायर का रेजिस्टेंस निकालना है तो तुम्हें याद होगा कि सर ने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, R is equal to rho L by A। क्या पढ़ाया था? R is equal to rho L by A। अब देखो एक चीज यहां पे फॉर्मूले की खूबसूरती देखो कि R is equal to rho L by A हमने लिखा, तो ये जो रो है ना, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हो गया। क्या हो गया? ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये क्या हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये जो L हो गया ना, अब क्वेश्चन मार्क ये है कि आप L किधर से लोगे, आप L किधर से लोगे और L कौन सा वाला है? बोले बात समझ आ रही क्या? L कौन सा वाला लेंगे? लेंथ तो चाहिए ना हमको, बिना लेंथ के तो हमारा काम नहीं हो सकता। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? अरे हाँ ना बोलो। अच्छा तो लेंथ क्या होगा? लेंथ लेंगे, लेंथ इज ऑलवेज टेकन, याद रखना लेंथ इज ऑलवेज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका मतलब यह हुआ कि जो लेंथ आप लोगे ना, वो हमेशा किस डायरेक्शन वाली लेंथ लोगे? जिस डायरेक्शन में करंट बह रही है। सोचो अगर ये स्क्वायर है तो इसमें इस डायरेक्शन में करंट बह रही है, बह रही है कि नहीं बह रही? तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? कोई एक साइड हो जाएगी स्क्वायर की, कोई भी एक साइड हो जाएगी ना, हालांकि सारी साइड ए है तो हम ए ही लिखेंगे, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगल होता, तो क्या कुछ और लेते? बोले बात समझ आ रही क्या? पक्की बात है ना? तो बिल्कुल। तो लेंथ कौन सी लेंगे? लेंथ इज ऑलवेज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब लेंथ हमेशा उस डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में करंट बह रही होगी। बोलो मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? अच्छा, और एरिया क्या है? एरिया है जो बॉडी है। एरिया किसका लेंगे? एरिया जो सिस्टम होगा, मतलब ऐसा कहते हैं बॉडी का पूरा एरिया, बॉडी एरिया। अब यहां पे बॉडी कौन सी है? स्क्वायर। कौन सी बॉडी है? स्क्वायर। तो क्या रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं इसका?
मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। रो में कोई बदलाव नहीं हो सकता क्योंकि रो तो रो ही रहेगा, पर लेंथ में बदलाव हो सकता है। लेंथ कितना है यहाँ पे, स्क्वायर की चारों साइड कितनी है, ए, चारों साइड कितनी बेटा ए, तो लेंथ कितना हो जाएगा ए, तो लेंथ हो गया ए, एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का ए स्क्वायर, तो एक ए ने एक ए को मार दिया, जो रेजिस्टेंस आ गया वो रो ए, रो बाई ए आ गया, कितना आ गया रो बाई ए। क्या तुमको ये क्वेश्चन समझ आया, अरे आया क्या, अरे हाँ ना बोलो आया, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रो बाई ए, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ, अरे हाँ ना बोलो, हाँ बहुत बढ़िया नेक्स्ट। अब मैंने कहा कि अब ये स्क्वायर नहीं है, अब वो क्या बना दिया हमने इसको, इसको हमने बदल दिया। अब देखो बदल कैसे दिया, हमने आपसे बोला कि अब स्क्वायर नहीं हो क्यूब हो गया, क्या हो गया क्यूब जानते हो, क्यूब वो जो अपन क्यूब खेलते थे याद है, चार कलर का होता था ऐसे रोटेट घुमाने वाला क्यूब, बिल्कुल वही क्यूब है। अब मैं उसको डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये क्यूब हो गया। अब देखो क्यूब कैसा, मेरे माइक को ध्यान से देखो, मेरे माइक को ध्यान से देखो, ये क्यूब ही है माइक मेरा, क्यूब नहीं है थोड़ा क्यूबॉइड, दिख रही तुमको ऐसे, देखो मैं ऊपर वाली प्लेट तुम्हारी तरफ करके दिखा रहा हूं, देखो समझ गए ना, ये साइड वाली देखो, एक दो तीन चार, ये भी प्लेट देखिए, एक देखिए क्या, फिर ये पीछे वाली देखो, ऐसे कितनी प्लेट है, एक आगे एक पीछे दो, एक ऊपर एक नीचे चार, एक इधर और एक इधर और एक इधर, छह, कितनी प्लेट्स हो गई छह, कितनी प्लेट्स हो गई, और सारा का सारी की लेंथ कितनी है ए, ये सब कितनी लेंथ है बेटा ए, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्यूब साइड ए, क्यूब साइड ए है हमारे पास। अब देखो इस क्वेश्चन में हम छह क्वेश्चन बनाएंगे, कितने क्वेश्चन बनाएंगे, सिक्स क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान से देखते रहना तुम हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने पहली बार बोला कि इसमें जो करंट गई ना बेटा वो ऐसे गई, ये वाले डायरेक्शन में करंट गई, यहां से गई यहां से गई। अब ये थोड़ा मोटा पतला होगा, एक मिनट रुको जरा, ये देखो इधर से करंट गई, अब इधर से जा रही है तो किधर से निकलेगी, इस वाले एरिया से निकलेगी, ये आई, तो सोचने वाली बात है। एक बार ऐसे करंट गई, मतलब ऐसा समझो कि ये हमारा क्यूब है, ये इधर से करंट गुजार रहे हैं और इधर से करंट को बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे घुस रही है और इधर से बाहर निकल रही है, करंट कैसे गई, ऐसे गई और इधर से बाहर निकली, तो करंट ने कितनी लेंथ को क्रॉस किया, मतलब ऐसा समझो करंट ऐसे जा रही है, कितनी लेंथ को क्रॉस किया, ए लेंथ को, कितनी लेंथ को ए। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बनाऊं तो मैं एबीसी ले सकता हूं, थोड़ा टफ बनाऊं तो ये एबीसी, एबीसी बाद में लेंगे अपन, पहले ए पे कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो इधर से गए तो कितनी लेंथ मिली, ये वाली ए, ये वाली लेंथ कितनी बेटा ए है ना, अरे मुंडी तो हिलाओ, हाँ ए है ना, हाँ तो ए लेंथ क्रॉस करी, तो इसका जो एरिया हो जाएगा ना, ऐसे जब करंट बहेगी तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रो एल बाई ए, तो क्या लिखेंगे, रो तो रो रहेगा, एल कितना हो जाएगा ए, और एरिया कितना है ए स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई क्या, पक्की बात, अच्छा ये तो हो गया एक तरीके का क्वेश्चन, ठीक है ये समझ आया। अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे करंट बह रही है इस तरीके से और यहां से निकल रही है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा रो ए बाई ए स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये भी ए ही लेंथ को क्रॉस करेगी और इस प्लेट का एरिया कितना है, ये वाली प्लेट का एरिया, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट का एरिया कितना है बेटा, ए स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर ले लिया। बोलो बात समझ आई, पक्की बात, अच्छा अच्छा मैं थोड़ा और कलर चेंज कर देता हूं, जब ये वाला लिए थे तो ये वाली प्लेट थी और ये वाली, ठीक है, ये वाली करंट पे तो ये वाला आ गया था। बोलो समझ आया, कोई तकलीफ किसी को यहां तक, कोई तकलीफ,
अब सोचो ये बहुत सिंपल था, मैंने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, और वो मॉडिफिकेशन क्या किया देखना, मैं अलग से बना रहा हूं मॉडिफिकेशन क्या किया इस बार। अब मैंने बोला ये साइड ले लिया मैंने ए, और ये वाली साइड ले लिया बी, और ये वाली साइड ले लिया सी। समझ गए मॉडिफिकेशन हो रहा है ये। अभी तक सब तीनों साइड क्या थी ए, और मैंने करंट को ऐसे प्रवाहित करा, ऐसे ऐसे करंट को बहाया, इधर से गई करंट और इधर निकल गई। तो कौन कौन सा एरिया ऑक्युपाई करेगा, ये वाला पूरा प्लेट, एक ये वाला पूरा प्लेट और एक ये वाला पूरा प्लेट। तो बताओ इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा। अब बता दो मुझे रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा जल्दी बता दो। क्या लिखेंगे, रो एल बाई ए, और एल कितना है यहां पे, देखो ये रो है, रो तो रो रहा, एल वो कौन सी लेंथ होती है जिस लेंथ जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, क्या वही डायरेक्शन के लेंथ लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते। तो यहां पे ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली लेंथ कौन सी हो जाएगी, ए। देखो क्या लिखा है ये ए, बात समझ आई क्या, क्योंकि अपन ऐसे ही तो चल रहे ना, तो लेंथ कौन सी लेंगे बेटा, ये वाली। तो क्या हो जाएगा रो ए। एरिया कौन सा, एरिया देखो इस वाली प्लेट का, ये दोनों प्लेट का है ना, एरिया ये वाला लेंगे ना, ये येलो वाला जो डॉटेड किया है, एरिया ये वाला लेंगे। तो ये वाला एरिया कितना है, सी इंटू बी, अरे है ना रेक्टेंगल है ना, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट। देखो ये वाला जो पेंटेड सिस्टम है, ये वाला पूरा जो पेंट किया हुआ है, इसका एरिया बताओ आप, इसका एरिया कितना होगा, सी इंटू बी, यही होगा ना, अरे हाँ ना बोलो। तो क्या हो जाएगा एरिया बेटा, सी इंटू बी। देखो आप क्वेश्चन बदल गया, बदला कि नहीं बदला, बोलो बात समझ आई क्या, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर मैंने आपसे कहा कि बेटा एक बात बताओ, अब हम ये वाली डायरेक्शन की करंट बहा रहे हैं, ऐसे करंट आई बहेगी तो यहां से निकलेगी, तो ये वाला एरिया बताओ, ये जो पिंक वाला अपन मार कर रहे हैं, ये वाला लेंथ कौन सी हो जाएगी, जरा मुझे बताना एक बार लेंथ कमेंट करके। तो सब लोग कमेंट करके एक बार लेंथ बता दे, लेंथ कौन सी ले लेंगे बेटा, कमेंट करके लेंथ बता दो, लेंथ कौन सी होगी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कौन सी है हमारे पास, सी। कौन सी है, अरे है ना, देखो ये वाली लेंथ कौन सी बेटा, सी। तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रो एल बाई ए, और रो तो रो रहेगा, एल कितना हो गया, सी, और एरिया कितना हो गया। देखो एरिया के लिए पिंक वाला हिस्सा, ये ध्यान देखना, ये और ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल कितना, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये देखो, अरे हाँ ना बोलो। करंट हमने बदली, हमारा रेजिस्टेंस बदल गया, करंट बदली और रेजिस्टेंस बदल गया। तुम्हें समझ आ गया क्या, दोबारा से रिपीट करूं क्या, समझ आ गया, चलो थम्स अप दिखाओ, समझ आ गया तो समझ में आ जाएगा मुझे भी। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार, आगे बढ़ जाऊं, लिख लिया तुमने, नोट कर लिया, नोट कर लो, जरूरत पड़ती है नोट करने की, पीडीएफ जाएगी तुम्हारे पास, पीडीएफ जाती है ना इनको, हाँ चलो पीडीएफ जाएगी, आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं, ठीक ना। नोट करना हो तो नोट कर लो, मैं टाइम दे दूंगा लिखने की, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अगर आपको टाइम चाहिए तो मैं टाइम दे दूंगा। चलो आगे बढ़े, सर योर क्या लिखा, डायग्राम आर, ये क्या लिखे हो समझ नहीं आ रही, योर डायग्राम आर, हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना तुम्हारे लिए, डायग्राम अच्छा है तो इसमें क्या कौन सी बुरी बात है, डायग्राम अच्छा है तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना। चलो चलो अब अपन ये रेजिस्टेंस पढ़ ली, अब रेजिस्टेंस जब हमने कर लिया ना तो इसके आगे थोड़ी चर्चा आती किसकी, अब ये वाले रेजिस्टेंस तो आपने निकाल दिया सर, वो वाले पढ़ाओ जो अपन ने 10th में पढ़े थे, याद है वो डॉटेड डॉटेड वाले, ऐसे ऐसे वाले टेढ़े मेढ़े वाले, अब उस रेजिस्टेंस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। आपने ऐसा रेजिस्टेंस पढ़ा होगा ना, ऐसा वाला पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये रेजिस्टेंस पर चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा करने से पहले थोड़ी बैटरी की चर्चा कर लेते हैं ना, इसकी चर्चा से जस्ट पहले थोड़ी बैटरी की चर्चा कर लेते हैं। बैटरी क्या है, मैंने बोला ऐसी एक बैटरी लगा दी मैंने, अब बैटरी में सुनो, यहां पे लिख लेना डिस्कशन ऑफ बैटरी, हेडिंग डाल लेना डिस्कशन ऑफ बैटरी, लिख लेना, बैटरी की थोड़ी चर्चा है, बहुत बेसिक चर्चा है, शायद आप लोग जानते भी होंगे, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो कंसंट्रेट होकर सुनना। मैंने बोला इसकी वोल्टेज कितनी है, वी वोल्ट, कितनी है
वी वोल्ट, ये वी वोल्ट कब आएगी? ये वी वोल्ट तब आएगी जब इसके एस एंड पे भी वी हो और इस एंड पे क्या हो, जीरो, क्या हो, जीरो, ऐसा हम मानते हैं तब ये वी आता है। एक्चुअल में क्या आप लिख ले, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, बात समझ आई? मतलब इस एंड का पोटेंशियल जो है वो वी है और इस एंड का जो पोटेंशियल है वो जीरो है और इन दोनों का डिफरेंस आता है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज वी एंड दिस बैटरी इज नोन एज डीसी बैटरी। क्या बोलते हैं? डीसी बैटरी या डीसी सोर्स। क्या बोलते हैं? डीसी सोर्स। अब डीसी सोर्स क्यों बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। याद है घरों में जो इन्वर्टर में बैटरीज होती है ये उसी बैटरी को इंडिकेट करता है, याद है ना, वो कैसी सोर्स होती है बेटा? डायरेक्ट करंट सोर्स। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट करंट सोर्स, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? डीसी सोर्स। बिल्कुल उसी तरीके से एक एसी सोर्स भी होता है, इसको तो अभी हम पढ़ेंगे, इस सोर्स को तो हम अभी पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद। एक होता है एसी सोर्स। एसी सोर्स को याद करने का सबसे सिंपल तरीका, तुमने सांप देखा है? सांप, अरे स्नेक, स्नेक ऐसे ऐसे वाला देखा है क्या? बस उसको यहां लेटा दो, लेटा हुआ सांप ऐसे। ये जो लेटा हुआ सांप है ना, ये क्या कहलाएगा? एसी सोर्स। क्या कहलाएगा बेटा? अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। इसको भी हम पढ़ेंगे लेकिन इसे कहां पढ़ेंगे? ईएमआई में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? ये एक अलग से चैप्टर भी है तुम्हारे फिजिक्स में, अल्टरनेटिंग करंट के नाम से, ईएमआई में ही इंक्लूड है वो चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट के नाम से अपन वहां पढ़ेंगे इसको, ठीक है? अभी क्यों पढ़ेंगे ये वाला, बात समझ आई? अच्छा आ जाओ, मैंने आपसे जनरल जनरल क्वेश्चन पूछना शुरू किया, छोटी छोटी चीजें मुझे बताते चलना। ये बैटरी लगाई हमने कितने की? इधर लगाया 5 वोल्ट, इधर लगाया 2 वोल्ट, तो बताओ ये वोल्टेज कितना होगा? सब लोग आंसर देंगे फटाफट। मैंने इधर 5 लगाया, इधर 2 लगाया, तो बैटरी की वोल्टेज कितनी? कितनी? 3। कितनी? 3। सिंपल, क्या किया? 5 - 2 इज इक्वल टू वी। 5 - 2 इज इक्वल टू वी। बोलो बात समझ आई क्या? अरे हाँ ना बोलो, समझते रहना। हम क्या लिखेंगे? 5 - 2 इज इक्वल टू वी। नाउ 3 वोल्ट इज इक्वल टू वी, कितना आ गया? 3। इसी में दूसरा देखना, बताते रहना मुझे जहां गड़बड़ी हो जाए। इधर रखा -2 वोल्ट, इधर रखा 3 वोल्ट, इधर कितना बता दो फटाफट, कितना? अपनी कलम चलाते रहना, बताते रहना आंसर कितना। इधर 3, इधर -2, वी कितना? 5 वोल्ट। लोगों के कमेंट आ रहे 5 वोल्ट, क्या सही है सबका? 5 वोल्ट सबका आया क्या? सिंपल, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। क्या करेंगे? इस एंड का वोल्टेज माइनस इस एंड का वोल्टेज इज इक्वल टू ये वोल्टेज। तो यहां पे क्या आ गया बेटा? 3 - -2 इज इक्वल टू वी। तो ये क्या हो गया? 3 + 2 इज इक्वल टू वी, यानी 5 वोल्ट। कितना आ गया? 5 वोल्ट। बोलो आया क्या? अरे हाँ ना बोलो। अच्छा दूसरा देखो, मैंने आपसे पूछा ये 10 वोल्ट है, ये एक्स है, ये -5, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? मैंने क्या पूछा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? वेव एक्स की वैल्यू कितनी? 15। कई लोग 15, 5, 10, 15, कितना? 5, 5, 15। अरे 15, 5, बाकी लोग कितना आया? हमें एक चीज सीखी है, हमेशा याद रखना, बैटरी के इस टर्मिनल को बड़े वाले को बोलते हैं प्लस और छोटे वाले को बोलते हैं माइनस। सुनते रहना, मैं एक एक चीज जैसे जैसे आगे बढ़ो तुम्हें एक एक नई चीज सिखाता चलूंगा। अरे इतना 5 नहीं होगा बेटा, कितना 5 लिख दिया तुमने? एक्स, ये जिस तरफ प्लस है इधर वाले को हमेशा बड़ा मानेंगे, इधर वाले को हमेशा क्या मानेंगे? बड़ा। तो बड़ा कौन होगा इस कंडीशन में? एक्स। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साइड वाला वोल्टेज हमेशा बड़ा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये कुछ भी हो तो हम लिखेंगे एक्स। ये कितना है? -5, तो -5 इज इक्वल टू 10। तो कितना हो गया? x + 5 इज इक्वल टू 10। नाउ x इज इक्वल टू 10 - 5 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। आंसर कितना आ गया? 5 वोल्ट। बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम राइट था, जो 15 वोल्ट बोल रहे बेटा छोटी सी मिस्टेक कर दी आपने, आपने इस नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं किया इसलिए आपका 15 आया, क्योंकि अगर ये नेगेटिव साइन यहां नहीं रखते तो x - 5 इज इक्वल टू 10 आता, नाउ x इज इक्वल टू 15, जो कि गलत आंसर है।
राइट आंसर कौन सा है? फाइव इज द राइट आंसर, फाइव इज द, बोलो समझ में आया क्या? यहां तक बात चमकी क्या? पक्का? बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब इसी बात पे। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला ये रहा 10 वोल्ट, ये रहा 2 वोल्ट, ये बताओ इधर 10 उधर 2 उधर x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो फिर से वही काम, बड़ा कौन है? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, इसके साइड वाला बड़ा, तो क्या लिखेंगे? 10। अब ये छोटा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। आया कि नहीं आया? तुम्हें समझ आ रहा है ना? कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, पक्की बात? अच्छा, एक चीज और, अब तुम्हें मैं दूसरे तरीके से निकाल, ये रट गया ना तरीका, ये तरीका रट लिया कि नहीं रट लिया? पक्की तरीके से रट लिया ना? कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो, अब मैं तुम्हें दूसरा तरीका सिखाता हूं। मैंने आपसे बोला कि ये कितना है 10 वोल्ट, ये कितना है 10 वोल्ट, और ये कितना है 0। ये पूरा आंसर लिखा हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, समझने की कोशिश करो। हमने इधर से चलना शुरू किया, किधर से चलना? इधर, इस एंड से चलना शुरू किया, तो पहले क्या मिला? 10 मिला, पहले क्या मिला? 10। अब इसको मान लो, ऐसे मत समझो, ऐसे इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। हमें वी निकालना है, क्या निकालना है? वी निकालना है, और वी की वैल्यू तुम्हें पता है 10 वोल्ट आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? वी कितना आएगा? 10 वोल्ट, ये सबको पता है। पर दूसरा तरीका कैसे हो सकता है? सुने, मैंने इधर से चलना शुरू किया, तो पहले क्या मिला? 10। इसको 10 एज इट इज रख लिया, जो पहले मिला उसको एज इट इज रख लिया, और हमें पता है कि बैटरी का ये वाला टर्मिनल प्लस और ये वाला माइनस वो हमेशा होता है, बड़ा टर्मिनल प्लस छोटा टर्मिनल माइनस। बोले बात समझ आई क्या? बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा मिला, तो देखो हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चले तो पहले मिला प्लस, बाद में मिला माइनस, तो हम गए किधर? प्लस से माइनस की तरफ गए, किधर? प्लस से माइनस की तरफ गए। बोलो बात समझ आई क्या? किधर गए? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस गए, तो बढ़ा कि घटा? घटा। ऐसे कैसे याद रखेंगे? प्लस से माइनस गए तो घटा, और माइनस से प्लस जाएंगे तो बढ़ा। तो प्लस से माइनस गए तो घटा, और घटा तो लगाया माइनस साइन। क्या लगाया? क्या लगाया? माइनस साइन। बोलो चमका कि नहीं चमका यहां तक? अरे हाँ ना, बोलो चमका। बहुत बढ़िया। तो माइनस क्या लिख दिया हमने? माइनस लिख दिया वी, और इसको लिख देंगे इज इक्वल टू जीरो। बोलो बात समझ आई क्या? अच्छा, तो वी इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 माइनस 0, जो हमने रख रखा था, जो हमने अभी इतनी देर से बोल रहे थे 10 माइनस 0 इज इक्वल टू वी, वो इस मेथड से आता है, इस मेथड से आता है। पर हमने शानदार रट रखा था। ये क्या लिख रहा है कोई बच्चा? क्या लिखा इसने? एक्सक्यूज मी सर, इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर? अरे बेटा, ये 9th क्लास होते 11th में है बेटा, इसका बहुत जबरदस्त रोल आने वाला है आगे। ये तुम्हें छोटा लग रहा है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसका बहुत जबरदस्त रोल है अभी आगे, इसके बगैर खेल ही नहीं हो पाएगा कुछ। वो 9th का नहीं, वो 10th में है ये, लेकिन ये 10th में इतना नहीं सिखाया जाता, तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस बना के निकाल देते करंट, समझे? अभी उस पे आएंगे, टेंशन ना लो, अभी तो छोटी छोटी चीजें है ना, पूरा बेसिक से लेके ऊपर तक चलेंगे, टेंशन ना लो। बोलो बात समझ में आई? इतनी बातें क्लियर हो गई, और इसी चीज का नाम क्या दिया बाद में? चलो नाम बाद में बताऊंगा, नहीं नाम तुम जान जाओगे तो तुम दिमाग लगाने लगोगे। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब मैंने आपसे बोला कि एक बैटरी नहीं है, अब बैटरी कितनी हो गई? 2 बैटरी, कितनी? 2, 3, 4, कितनी बैटरी लगा लो तुम? मैंने बोला कि इसका 5 वोल्ट, इसका 3 वोल्ट, इसकी वोल्टेज बताओ, इधर कितना? इधर दे दो 2 वोल्ट और इधर लगा दो 3 वोल्ट, है ना? क्या बता सकते हैं अपन? 2-3 भी ना दो, मैं और अच्छा बनाता हूं। इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी। हमें आपसे क्या बताना है? हमें निकालना है VA माइनस VB। क्या निकालना है? VA माइनस VB। अब ऐसे पुराने वाले मेथड से तो निकाल नहीं सकते कि डायरेक्ट VA माइनस VB इज इक्वल टू दिस, नहीं निकाल सकते। अब उसमें कोई जरूरत, अब नया मेथड चालू करेंगे। नया मेथड क्या है? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। बोलो बात समझ आई क्या? पक्की बात। तो यहां से चलना चालू किया, इसको एज इट इज लिख दिया VA। ये प्लस से माइनस गए तो घटा, तो माइनस 5, प्लस से माइनस गए तो घटा, फिर से माइनस 5, प्लस से माइनस 5 गए तो घटा, फिर से माइनस 5 इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB कितना आ गया?
VA माइनस VB आ गया 5, 5, 10, 15 वोल्ट, कितना आ गया? बोल इतनी बात समझ आई क्या? समझ आई क्या? नहीं समझ में आया फिर से बताओ, समझ आई क्या? नहीं आई? समझ आई तो थम्स अप दिखाओ, थम्स अप दिखाओ। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं समझ में आया, चलो फिर से देखो, कुछ नहीं किया मैंने बिल्कुल। ये बड़े डंडे को प्लस, छोटे डंडे को माइनस, बड़े डंडे को प्लस, छोटे डंडे को माइनस, बड़े डंडे को प्लस, छोटे डंडे को माइनस। हमने क्या सिखाया? किसी एक साइड से चलना शुरू किया, इधर से चलना शुरू किया, तो जिधर से चलना शुरू किया उसको एज इट इज लिख दिया VA। वोल्टेज एट पॉइंट ए का नाम दिया गया VA। क्या नाम दिया गया? VA। फिर इस वाले पे आ, यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचे तो पहले प्लस मिला बाद में माइनस, तो घटा। प्लस से माइनस गए ना तो घटा, तो मैंने लिखा माइनस पांच, ये वाला हो गया, ये माइनस पांच कंप्लीट। फिर यहां से आगे बढ़े तो फिर मिला पहले प्लस दोबारा माइनस, और ये माइनस पांच नहीं है, ये तीन है लल्ला, वो गड़बड़ हो गया, ये क्या है बेटा? तीन, तो ये पंद्रह नहीं होगा, ये पांच तीन आठ पांच तेरह होगा। अरे यहां पे पांच वोल्ट हमने दिया ही नहीं था, ठीक है ना? फिर ये तीन, फिर उसके बाद प्लस से माइनस गए, तो प्लस से माइनस गए तो फिर से घटा, अगेन घटा, पांच वोल्ट है तो माइनस पांच। और मैंने बोला जो लास्ट वाला है उसे क्या लिखो? इज इक्वल टू वीबी। क्या लिखो? इज इक्वल टू वीबी। अब देखो इन तीनों को उधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना होगा? पांच तीन आठ पांच तेरह, थर्टीन, कितना आ गया? थर्टीन आ गया। तो हमारा जो वी ए माइनस वीबी है वो थर्टीन, क्योंकि ये डिजिट उधर जाएंगे तो वीबी इधर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? पक्की बात? अरे हाँ ना बोलो, समझ आ रहा है क्या? सर एक बार फिर से, हाँ ये हुई ना बात, एक बार फिर से। अब मैं दूसरे क्वेश्चन में एक बार फिर से बताऊंगा ताकि थोड़ा और मजा आए, बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैंने आपका आपका काम किया, मैंने बोला कि अब रेजिस्टेंस भी लगा दो इसके साथ। क्या लगा दो? रेजिस्टेंस भी लगा दो और आनंद लेते रहो। अब देखो इसका नाम दिया ए और इसका नाम दिया बी, और मैंने इधर से करंट फ्लो कराई, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस 5 वोल्ट, 3 ओम का रेजिस्टेंस 4 वोल्ट। अब देखो मैंने क्या लिखना सिखाया तुमको? वोल्टेज लिखना सिखाया। क्या लिखना सिखाया? इधर 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 देखो इधर मैंने क्या लिखना सिखाया बेटा? वोल्टेज लिखना सिखाया। तो ये तो रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही वोल्टेज लिखना सीखेंगे। तो जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखना सीखेंगे तो सबसे पहले जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है और रेजिस्टेंस के पहले वाला एंड को प्लस, इसके पहले वाले एंड को प्लस और दूसरे वाले को माइनस। बोलो बात समझ आई क्या? करंट किधर से चल रही है? इधर से। तो ये वाला एंड प्लस और ये वाला एंड माइनस। बोलो चमका? अरे हाँ ना बोलो। अच्छा फिर ये बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस, फिर ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, फिर बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस। सारे पे साइन लगा दिया मैंने, सब पे साइन लगा दिया। और रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितनी होती है? याद करो ओम्स लॉ, V is equal to IR, V is equal to, अरे याद है ना, V is equal to IR, V is equal to, तो यहां पे वोल्टेज तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो इस जगह जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज हो जाएगी वो करंट कितनी है? 2, और रेजिस्टेंस कितनी है? 2, तो ये आ गया 4 वोल्ट। और यहां पे कितनी हो जाएगी वोल्टेज? ये हो जाएगी 2 × 3, और ये हो जाएगी 6 वोल्ट। बोले बात समझ आई क्या? हमने वोल्टेज लिख लिया और फिर से चालू, क्या चालू? पहले यहां से स्टार्ट हुए तो हमने इसको लिखा VA। क्या लिखा? VA। आगे बढ़े तो पहले प्लस मिला दोबारा माइनस, और कितना वोल्टेज है? 4। तो क्या लिखेंगे? प्लस से माइनस गए तो घटा, तो घटा तो माइनस 4। बोलो चमका क्या? अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो। हाँ फिर उसके बाद प्लस से माइनस गए तो घटा तो माइनस 5, फिर प्लस से माइनस गए घटा तो माइनस 6, फिर प्लस से माइनस गए बढ़ा घटा तो माइनस 4 इज इक्वल टू वीबी। बोलो सही लिखा? अरे हाँ ना बोलो। तो वीए माइनस वीबी कितना हो गया? तो नाउ वीए माइनस वीबी ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो सब प्लस में हो जाएगा, 5, 4, 9, 6, 15, 4, 19 वोल्ट। बोलो ये सबको बात समझ में आ गई क्या? अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना बोलो, ये थम्सअप थम्सअप। हाँ ठीक है, चलो इसी का दूसरा भाई देखो। अभी तक मैंने इन सारे में वोल्टेज की जो साइन है वो सेम रखी,
इसको उलट भी तो सकते हैं, उलट सकते हैं कि नहीं उलट सकते? तो मैं उलट दिया इस बार, इस बार मैंने बोला ये रेजिस्टेंस रहा, ये वोल्टेज, और फिर से रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज, फिर से रेजिस्टेंस। अब बताओ ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, मैंने कहा ये 2 ओम, ये 5 ओम, और इसमें करंट फ्लो कर रही है बेटा इस तरीके से 3 एम्पीयर। कितनी करंट फ्लो कर रही है? 3 एम्पीयर। इसको लिख लो 2 वोल्ट और इसको लिख लो 5 वोल्ट। करंट किधर से बह रही है? पीछे साइड से। किधर से बह रही है? उस साइड से बह रही है। और हमने आपसे पूछा VA माइनस VB बताओ, क्या बताओ? VA माइनस VB। तो मैंने क्या सिखाया है? मैंने बहुत सिंपल सी चीज सिखाई है कि जिस डायरेक्शन से करंट एंटर कर रही है, प्लस माइनस मानते चलो, करंट इधर से बह रही है तो ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, देखते रहना, बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस, फिर से ये रेजिस्टेंस प्लस, ये वाला माइनस, फिर ये माइनस, ये वाला प्लस, फिर से ये प्लस, ये वाला माइनस। मैंने बोला किधर से भी चलो, मैंने बोला किधर से भी चलो, तो तुम चाहे राइट साइड से चलो, चाहे तुम लेफ्ट साइड से चलो, तुम्हारी मर्जी। हम हमेशा राइट से चलते हैं तो हम अभी भी राइट से ही चलेंगे। क्या मेरी बात समझ आई? अरे आई क्या? तो पहले क्या मिला? VA, तो मैंने लिख दिया VA। फिर देखना ध्यान से, जब आगे बढ़े तो पहले माइनस मिला, बाद में प्लस मिला, तो माइनस से प्लस गए तो बढ़ा, बढ़ा तो प्लस, बढ़ा तो प्लस, तो मैंने लिखा प्लस। अब इसमें करंट है, रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज कितनी होगी? इसकी वोल्टेज जो हो जाएगी, करंट बह रही 3 एम्पीयर, तो वोल्टेज हो जाएगा 3 × 2 यानी 6 वोल्ट। तो यहां क्या हो जाएगा? 6। बोलो बात चमकी? अरे हाँ ना बोलो, मुंडी इससे हिलाओ तो, मुंडी तो हिलाओ। हाँ, फिर ये प्लस से माइनस गए तो घटा, घटा तो 2। फिर ये रेजिस्टेंस आ गया और इसमें करंट बह रही है 3, तो कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। देखो 3 × 5 = 15। बोलो बात सही है क्या? 3 × 5 = 15। अरे हाँ ना बोलो। तो मैंने क्या लिखा? माइनस, माइनस से प्लस गए तो बढ़ा तो प्लस 15। देखते रहना, कहां से गए? माइनस से प्लस गए ना, तो प्लस 15। बात समझ आई? अगर किसी को यह बात भी नहीं समझ में आ रही ना, तो साइन लिख लो, हमेशा बाद वाला साइन ले लेना। कौन सा साइन? बाद वाला साइन। बात समझ में आई ना? देखो हर बार बाद वाला ही साइन ले रहे अपन, पर बोलने का तरीका अलग है। बोलने का तरीका क्या है कि माइनस से प्लस गए तो प्लस, प्लस से माइनस गए तो माइनस, माइनस से प्लस गए तो प्लस। वो समझ में आता है, माइनस से प्लस गए तो बढ़ा, बढ़ा तो प्लस, प्लस से माइनस गए तो घटा, तो घटा तो माइनस। ये रटने का तरीका है। तो 15, फिर माइनस से प्लस गए तो प्लस 5, फिर माइनस से प्लस गए तो प्लस, ये सही से लिख जा, ये 5 हो गया, 5 बोले तो 5। फिर इसमें इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो कितना वोल्टेज हो जाएगा इसमें? 6 वोल्ट। प्लस से माइनस गए तो प्लस 6 इज इक्वल टू VB। अब देख लो, अब तुम देख के बताओ क्या, कौन कौन प्लस में? 6 प्लस में, 6 और 15 6 21, 21 5 26, 26 6, 26 प्लस 6 कितना? 32। 32 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। तो हम क्या लिखेंगे? VA प्लस 30 इज इक्वल टू VB। नाउ VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस 30 वोल्ट। देखो माइनस में आंसर आ गया। अरे आया क्या? अरे हाँ ना बोलो, बात समझ आई? ये एक लेवल के क्वेश्चंस हो गए। देखो हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है और बहुत स्टैंडर्ड पे लाके छोड़ा है, ठीक है? कल अपन इसके आगे चर्चा करेंगे। आज तक आओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है? कल इसके आगे चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है? आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।